सो वेलकम टू द वीडियो ऑफ द लेसन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिसिटी के लेक्चर नंबर 2 में. तो हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे. आज हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी. ओके, तो देखते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होता है. सो एरोमेटिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ कंपाउंड लाइक बेंजीन टू गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मोर रेडिली दैन एडिशन प्रोडक्ट इवन थ्रू दे आर हाईली अनसेचुरेटेड. अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक कंपाउंड की बेंजीन के जैसे कंपाउंड की एबिलिटी होती है कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बहुत जल्दी ही देता है एज कम्पेयर टू एडिशन प्रोडक्ट. ओके, सिमिलरली दिस कंपाउंड आर स्टेबल टूवर्ड्स ऑक्साइडाइजिंग एजेंट्स. सो ऑक्साइडाइजिंग एजेंट्स की तरफ ये स्टेबल होते हैं. Also thermodynamically this compound are highly stable. Thus all compound with which resembles benzene in their chemical behavior exhibit aromaticity or aromatic character. ठीक है, तो जितने भी compound होते हैं जो benzene से resemble करते हैं, benzene की तरह होते हैं, तो उनके जो chemical behavior होता है वही exhibit करते हैं aromaticity और aromatic character ऐसे compound. ओके, अब हम देखेंगे Hückel's 4n plus 2 pi electron rule क्या है. So according to modern study there are two important condition for a compound to be aromatic. ठीक है, तो दो condition होती है किसी भी compound के aromatic होने की. तो वो क्या है, तो पहला देखते हैं the molecule of the compound should be coplanar. जो molecule compound के जो molecule होते हैं वो coplanar होना चाहिए. इसका मतलब है कि that is all the atoms in the molecule should be lying one plane and it must have cyclic delocalized pi electron cloud with lobes lying above and below the plane of the molecule. ये है पहली condition कि molecule का जो compound है वो coplanar होना चाहिए. उसके बाद second condition है, the second condition was given by Hückel according to which the aromatic stability depends on the presence of particular number of delocalized electron. ये पहला ही था. ओके, सेकेंड है from a coplanar molecule to be aromatic it should have 4n plus 2 pi delocalized electron. तो पहली कंडीशन क्या थी कि मॉलिक्यूल का जो कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है वो कोप्लानर होना चाहिए, और सेकेंड क्या है कि वो 4n plus 2 pi delocalized electron इस रूल को फॉलो करना चाहिए, इस फॉर्मूले को, वेयर n की वैल्यू होगी 1, 2, 3. ओके, और अप टू इनफिनिटी. नेक्स्ट देखिए, अब हम देखने वाले हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन. तो ये क्या है, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन इज C5H5. It has planar ring structure. It has conjugated pi electron. There are 6 pi electron, 5 from carbon atom and 1 from negative charge. If we put n equal to 1 in Hückel rule, then 4n plus 2 equal to 4 into 1 equal to 6 आ गया. Hence Hückel rule is followed. Thus cyclopentadienyl anion is aromatic in nature. अगर आपसे कोई पूछेगा कि cyclopentadienyl anion aromatic है या नहीं, तो आप ये put करके भी देख सकते हैं. इसका formula है C5H5O. It has planar ring structure. It has conjugated pi electron. जब आप formula में इसकी value put करेंगे, तो इसकी value 6 आती है, जो कि Hückel rule को follow करता है. तो इसीलिए cyclopentadienyl anion aromatic का nature का है. Okay? देखिए, इसके पहले हमने पढ़े थे साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन. अब देखने वाले हम साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन के बारे में देखने वाले हैं. ठीक है, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन इज C7H7+. इट हैज प्लानर इन स्ट्रक्चर. इट हैज कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन. There are 6 pi electrons, 7 from carbon atom and 1 less due to positive charge. If we put n equal to 1 in Hückel rule, then 4n plus 2 equal to 4 into 1 plus 2 equal to 6. Since Hückel rule is followed, thus
हेप्टा ट्राइनाइल कैटायन इज एरोमेटिक इन नेचर। ये भी एरोमेटिक इन नेचर है क्योंकि ये हुकेल रूल को फॉलो कर रहा है और इसकी भी प्लानरिंग स्ट्रक्चर है और इसके कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन हैं। ओके ओके, अब हम देखने वाले हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बहुत ही इजी है। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन रहेगा तो बेंजीन किसके साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एटेट कैटलिस्ट। ओके, तो जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन न्यूक्लियस आर वेरी सिंपल, अ हाइड्रोजन ऑन द रिंग इज रिप्लेस बाय एन इलेक्ट्रोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ अ लेविस एटेट कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट एक्ट टू फॉर्म द इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस फ्रॉम द रिएजेंट ई ए, द इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एच प्लस विच फॉर्म्स अ बाय प्रोडक्ट विद द एनायन। ओके, तो आप देख ही सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या बन चुका है। अब इसकी यहाँ पे दी है जनरल मैकेनिज्म, तो इसकी अगर हम एक्सप्लेन करने जाएंगे तो वीडियो हमारा बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, तो बस हम देखेंगे कि नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है। तो जब बेंजीन रिएक्ट करता है विद द मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर एज 50 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोबेंजीन इज फॉर्मेड। ठीक है, उसके बाद की मैकेनिज्म है मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होगा, बेंजीन रिएक्ट करेगा, बेंजीन अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हेन ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 120 डिग्री सेल्सियस टू गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, इसकी मैकेनिज्म के बाद में इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दी है और इसी के साथ में ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है।